सांसदों के यहाँ अच्छे अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे और वो भी बिना कट के लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। आदरणीय सभापति जी, मुफ्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पर बोर्ड लटक जाए, हक का राशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। और हमारे ज्यादातर भारतीय भाई बहन इतने निराश हो चुके थे कि वो अपने भाग्य को दोष दे करके, अपने नसीब को दोष दे करके जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो एक वक्त था 2014 के पहले जब वो सात शब्द हिंदुस्तान के जनमन में स्थिर हो चुके थे, निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज था। तब देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना और वो पल देश के परिवर्तित युग का प्रारंभ हो चुका था। और 10 साल में मैं कहूंगा मेरी सरकार की अनेक सफलताएं हैं, अनेक सिद्धियां हैं, लेकिन एक सिद्धि जिसने हर सिद्धियों में भी जोर भर दिया, ताकत भर दी, वो थी देश निराशा की गर्त में से निकल करके आशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया। देश में आत्मविश्वास बुलंदी पर पहुंचा और उसके कारण वो सब वक्त का जो शब्द थे देश की युवा पीढ़ी की डिक्शनरी से निकलने लगे। धीरे धीरे देश के मन में स्थिर हो गया जो 2014 से पहले कहते थे कुछ नहीं हो सकता, वो कहने लगे तब इस देश में सब कुछ हो सकता है, इस देश में सब कुछ संभव है, ये विश्वास जताने का काम किया हमने। जब हमने सबसे पहले तेज 5G रोल आउट हमने दिखाया, आज देश कहने लगा तीव्र गति से 5G का रोल आउट होना, देश गौरव से कहने लगा भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक जमाना था जब कोयले घोटाले में बड़ों बड़ों के हाथ काले हो चुके थे। आज कोयले का सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक प्रोडक्शन, आज कोल प्रोडक्शन के विक्रम हुए हैं और इसी के कारण देश अब कहने लगा है अब भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक समय था 2014 के पहले जब फोन बैंकिंग करके बड़े बड़े बैंक घोटाले किए जा रहे थे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह बैंक का खजाना लूट लिया गया था। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन, निर्णयों में गति, निष्ठा प्रामाणिकता की और उसी का परिणाम है दुनिया की अच्छी बैंकों में आज भारत की बैंकों का स्थान बन गया। आज भारत की बैंक सर्वाधिक मुनाफा करने वाली बैंक बन गई और लोगों की सेवा करने की जगह। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां,
हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। आज आदरणीय सभापति जी, देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे, भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अंबेडकर का पान किया करते थे। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई देता है। आदरणीय सभापति जी, 140 करोड़ देशवासियों में ये विश्वास पैदा होना, ये उम्मीद, और जब विश्वास जगता है तो विकास का वो ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। इस विश्वास ने विकास का ड्राइविंग फोर्स का काम किया है। आदरणीय सभापति जी, ये विश्वास विकसित भारत संकल्प से सिद्धि का विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, जब आजादी का जंग चल रहा था और जो भाव देश में था, जो जोश था, उत्साह था, उमंग था, जो विश्वास था कि आजादी लेकर रहेंगे, आज देश के कोटि कोटि जनों में वो विश्वास पैदा हुआ है, जिस विश्वास के कारण आज विकसित भारत होना एक प्रकार से उसकी मजबूत नींव इस चुनाव में शिलान्यास हो चुका है। जो ललक आजादी के आंदोलन में थी, वही ललक विकसित भारत के
इस सपने को साकार करने में है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत के लक्ष्य बहुत विराट है और आज भारत को एक ऐसी स्थिति पर 10 साल में पहुंचा है कि हमें खुद से ही स्पर्धा करनी है, हमें ही अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं और नेक्स्ट लेवल पर हमें हमारी विकास की यात्रा को ले जाना है। 10 वर्षों में भारत विकास की जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो हमारी प्रतिस्पर्धा का एक मार्क बन चुका है, एक बेंचमार्क बन चुका है। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड में ले जाने का है और मेरा विश्वास है देश की इच्छा को हम उसी गति से पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, हम हर सफलता को, हर सेक्टर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 सालों में भारत की इकोनॉमी को 10 साल के अल्पकाल में हम 10 नंबर से इकोनॉमी को 5 नंबर पे ले गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जिस गति से निकले हैं, अब हम देश की इकोनॉमी को नंबर 3 पर ले जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 सालों में हमने भारत को मोबाइल फोन का बड़ा मैन्युफैक्चरर बना दिया, भारत को मोबाइल फोन का बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया। अब यही काम इस हमारे टेन्योर में सेमीकंडक्टर और अन्य सेक्टर्स में हम करने जा रहे हैं। दुनिया के महत्वपूर्ण कामों में जो चिप्स काम में आएगी, वो चिप्स मेरे भारत की मिट्टी में तैयार हुई होगी, मेरे भारत के नौजवानों की बुद्धि का परिणाम होगा, मेरे भारत के नौजवानों के परिश्रम का परिणाम होगा, ये विश्वास हमारे बीच है। आदरणीय सभापति जी, हम आधुनिक भारत की तरफ भी जाएंगे, हम विकास की नई ऊंचाइयों को, लेकिन हमारी जड़ें जमीन से जुड़ी रहेगी, हमारे पैर देश के जन सामान्य की जिंदगी से जुड़े रहेंगे और हम 4 करोड़ गरीबों के घर बना चुके हैं। आने वाले इस टेन्योर में तेज गति से 3 करोड़ और घर बना करके इस देश में किसी को भी घर के बिना रहना ना पड़े, ये हम देखेंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने देश की कोटि कोटि बहनों को एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में एक बहुत सफलतापूर्वक हमने आगे बढ़े हैं। अब हमने उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। अब हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि इतनी बढ़ाना चाहते हैं, उसका इतना विस्तार करना चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में 3 करोड़ ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर के चलने वाले। आदरणीय सभापति जी,
मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हमारी तीसरी टर्म में इसका मतलब है हम तीन गुना स्पीड से काम करेंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम तीन गुना शक्ति लगाएंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम देशवासियों को तीन गुना परिणाम ला करके देंगे। अपने सदस्य गणों, नेता प्रतिपक्ष माननीय स्वयं मैंने सबको मौका दिया, आपने 90 मिनट बोला, ये संसद में तरीका ठीक नहीं है। मैं आग्रह करूंगा आप इस तरीके से संसद की मर्यादाओं को बनाए उचित नहीं है। आप जाइए बेंच में से बैठिए, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया, आपको 90 मिनट बोलने दिया और समय पूरा दिया, आपकी सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। लेकिन आप जब सदन के नेता बोलते हैं, जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और ये इतनी बड़ी पार्टी जो लेकर आप चल रहे हो उसकी परंपराओं के अनुरूप ही नहीं है। ये 5 साल ऐसे चलने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना एक ऐतिहासिक घटना है। आजादी के बाद ये सौभाग्य दूसरी बार इस देश में आया है और 60 साल के बाद आया है। इसका मतलब ये सिद्धि पाना कितना कठोर परिश्रम के बाद होता है, कितना अभूतपूर्व विश्वास संपादन होने के बाद होता है। ऐसे ही राजनीति के खेल से नहीं होता है, जनता जनार्दन की सेवा से प्राप्त आशीर्वाद से होता है। सभापति जी, जनता ने हमें स्थिरता और निरंतरता इसके लिए जनादेश दिया। लोकसभा चुनाव के साथ ही आदरणीय सभापति जी, लोगों की नजर से यह चीजें जरा ओझल हो गई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हमारे देश में 4 राज्यों के भी चुनाव हुए और आदरणीय सभापति जी, इन 4 ही राज्यों में एनडीए ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, अभूतपूर्व सफलता प्राप्त। हमने शानदार प्राप्त की। महाप्रभु जगन्नाथ जी की धरती उड़ीसा ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। आदरणीय सभापति जी, आंध्र प्रदेश एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है, सूक्ष्मदर्शक यंत्र में भी ये नजर नहीं आते हैं। आदरणीय सभापति जी, अरुणाचल प्रदेश हम फिर एक बार सरकार बनाई है, सिक्किम में एनडीए ने फिर एक बार सरकार बनाई है। अभी 6 महीने पहले ही आदरणीय सभापति जी, आपका होम स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और
और छत्तीसगढ़ में हमने प्रचंड विजय पाया है। आदरणीय सभापति जी, हमें नए नए क्षेत्रों में जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिला है। आदरणीय सभापति जी, बीजेपी ने केरला में इस बार खाता खोला है और बड़े गर्व के साथ केरला से हमारे सांसद हमारे साथ बैठते हैं। तमिलनाडु में कई सीटों पर बीजेपी ने दमदार उपस्थिति दर्ज की है। कर्नाटक, यूपी और राजस्थान में पिछली बार की तुलना में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है। आने वाले समय में तीन राज्यों में चुनाव है, जिन राज्यों में चुनाव, उसमें से तीन की मैं बात करता हूं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, यहां चुनाव आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पिछली विधानसभा में इन तीन राज्यों में हमें जितने वोट मिले थे, इस लोकसभा चुनाव में इन तीन राज्यों में मैं उससे भी ज्यादा वोट मिले हैं। आदरणीय सभापति जी, पंजाब में भी हमारा अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है और हमें बढ़त मिली है। जनता जनार्दन का भर